हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राखी फ्रॉम त्रिवेणी डेंटल्स और आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन योर ओरल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। तो ये हमारी एक एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज है जिसमें हम आपको एजुकेट करने का ट्राई कर रहे हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ओरल हेल्थ। आपकी ओरल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है, आपकी ओरल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ओरल हेल्थ आपके कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। फिर हमने बात की रेस्पिरेटरी हेल्थ और ओरल हेल्थ में क्या रिलेशन हो सकता है। फिर ऐसे ही आपके किडनी, लीवर और बहुत सारे जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में वो कैसे अफेक्ट होते हैं अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसी सीरीज में आज हम एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ का क्या रिलेशन है, कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है इससे आपकी ओरल हेल्थ कैसे खराब हो सकती है, या फिर अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कोई भी आपको थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, मतलब मैं इसको प्रॉपरली डिसऑर्डर भी नहीं कहूँगी, ये बहुत ही आम हो गया है आजकल, कॉमनली स्टूडेंट्स में भी बहुत देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कोई अलग बीमारी है, बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में। तो क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेस है या एंजाइटी है, किसी को भी हो सकता है, जैसे मैंने स्टूडेंट्स का बताया पहले कि एग्ज़ाम अगर आ रहा है तो बहुत कई बार स्टूडेंट्स स्ट्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोगों में, यंगस्टर्स में स्पेशली, सोते हुए वो उनमें ब्रक्सिज्म की आदत बहुत डेवलप हो जाती है। ब्रक्सिज्म मतलब कि जिसे कहते हैं कि दांत पीसना, रात को सोते समय दांत पीसने वो लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत स्ट्रेस पड़ता है आपके दांतों पे, मसल्स पे, तो उसकी वजह से आपको दर्द की भी शिकायत हो सकती है कि आपको लगेगा कि मेरे मुंह में या फिर मेरे जबड़े में कहीं दर्द हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपको फील होती है या फिर किसी भी कारणवश होती है तो फिर उससे आपके ब्रक्सिज्म मतलब टीथ क्लेंचिंग या फिर दांत चबाना, दांत पीसना जिसको बोलते हैं, उसकी आदत बहुत बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपके जो दांतों की हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो और इसमें क्या हो सकता है, अगर कोई किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन की अगर शिकायत है और उसके लिए अगर वो मेडिसिंस भी ले रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं किसी की, बहुत अगर सीवियर केस है डिप्रेशन का किसी को, तो उसमें क्या होगा कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं तो कई दवाइयों में क्या होता है कि बहुत जीरोस्टोमिया की दिक्कत हमें देखने को मिलती है। जीरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ, की जो आपके मुंह में सलाइवा मतलब जो थूक की मात्रा है जो जितनी बननी चाहिए आइडियली, ताकि आपके मुंह में जो कीड़े हैं वो ना लगे, कम लगे, क्योंकि सलाइवा के अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि वो आपके दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है। तो ऐसे केसेस में, डिप्रेशन के पेशेंट्स में, आपको ओरल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया दवाइयों की वजह से आपके सलाइवा की मात्रा कम हो सकती है, उसकी वजह से आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है। और क्या होता है कि जिन पेशेंट्स में मेंटल हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है, वो मेंटल हेल्थ की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कि उनको नहीं मन करेगा कि हम अपने दांतों का ध्यान रखें, सफाई करें, ब्रश करें, उठ जाएं बिस्तर से, वो होता है, वो हम समझते हैं, सब समझ सकते हैं। तो बट इस कारण भी आपको जो है, आपकी ओरल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फिर आपको आगे जाके ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें। और इसी तरह जैसे आपकी अगर ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ सकता है। ये एक चेन है, साइकिल है, कि अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी ओरल हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है। तो इस पे आते हैं कि अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आपके दांतों में बहुत कीड़े लगे हुए हैं, आपके मुंह से बदबू आती है, तो आपको लगेगा कि
कहीं बाहर जाने में आपको शर्म आएगी या फिर लोगों से बात करने में आप हिचकिचाएंगे, तो ये सब सोशल एंजाइटी का कॉज हो सकता है कि आपको सोशल एंजाइटी हो जाए, आपको थोड़ा एंग्शियस फील करने लगे लोगों से मिलने में, बात करने में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखें। और आपके ओरल हेल्थ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि जैसे अगर आपको मान लीजिए दांत में कीड़ा लगा हुआ है और आपको बहुत पेन हो रहा है उससे, या फिर टीएमजे की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टीएमजे मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो ये हमारा जॉइंट होता है, और स्पेशली अगर आपकी अकल दाढ़ आ रही है, लास्ट वाली जाड़ जिसे बोलते हैं वो आ रही है, उस टाइम पे ये बहुत कॉमन दिक्कत है कि आपको दर्द फील होता है। तो इससे क्या होगा, इससे भी आप कई बार स्ट्रेस या एंजाइटी में आ जाएंगे कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फर्क डालता है। और ये हम सब जानते हैं, आजकल गूगल सबके पास है, सब गूगल करते हैं कि डेंटिस्ट को विजिट करने से पहले सब गूगल करेंगे कि मुझे क्या दिक्कत है दांत में, या फिर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट भी कुछ लोग आते हैं तो दे नो दिस टर्म टीएमजे, वो गूगल करके आते हैं। बट गूगल में वो जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उनको उतना ज़्यादा एंग्जाइटी और फेस स्ट्रेस फील होगा कि यार ये इसने क्या बता दिया मुझे, बहुत कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं हो गई। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी आप अपनी ओरल हेल्थ का ठीक से ध्यान रखें। और अगर आपको ज़्यादा कुछ लगता है ऐसा सब गूगल पे पढ़ के या कहीं और, तो आप सबसे पहले डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। तो अब हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, आपको ये ओरल हेल्थ की इतनी परेशानियाँ क्यों झेलनी पड़ सकती हैं जिससे आपके मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। तो उसका मेन कारण क्या है कि अगर आपके दांतों में या मसूड़ों में स्पेशली इन्फ्लेमेशन है, सूजन आई हुई है, या फिर दांतों में बहुत कीड़े लगे हुए हैं, उसकी वजह से आपका जो होता है न्यूरो इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन मतलब कि आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स फिर वो रिलीज होते हैं कि फिर उससे आपको स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपने ओरल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करते रहें। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे अगर किसी को स्किजोफ्रेनिया या फिर बुलीमिया जैसी दिक्कतें हैं, बुलीमिया मतलब कि अगर जैसे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स में कई बार क्या होता है, जैसे अगर उन्होंने कुछ खाना खाया तो दे विल वॉमिट वॉमिट कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉमिट करने की वजह से जो आपके ओरल हेल्थ एनवायरनमेंट है मतलब जो आपके मुंह का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसकी वजह से इरोजन एब्रेजन जैसी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। इरोजन एब्रेजन मतलब कि आपके जो दांतों की परत है वो घिस जाएगी, पतली हो जाएगी, उसकी वजह से आपको दर्द जैसी दिक्कतों का, दांत में दर्द या सेंसिटिविटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करें। अगर आप कुछ साइकेट्रिक हेल्प ले रहे हैं तो मैं साइकेट्रिस्ट को भी बोलूंगी कि एक कोरिलेशन बना के चलें ओरल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच में। आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं आप उन्हें एंकरेज करें कि आप अपनी ओरल हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखें। एक ओरल स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं, फिर उनको डेंटिस्ट को विजिट करने के लिए बोलें ताकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ जो उनकी ओरल हेल्थ है वो भी एकदम अच्छी और स्वस्थ बनी रहे। तो फिर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। और आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि उन्हें पता चल सके कि ओरल हेल्थ का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और हमारे चैनल त्रिवेणी डेंटल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।